बिहार के जो यूट्यूबर थे मनीष कश्यप आज जेल से बाहर आए। करीब 9 महीने से वो जेल में बंद थे। उन पर तमिलनाडु और बिहार दोनों के सरकार, दोनों ही इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं। सच सुनना इन्हें भी पसंद नहीं है और इनको जेल में डाला गया था। 9 महीने बाद वो पटना की बेऊर जेल से बाहर आए और नीतीश तेजस्वी सरकार को कंस की सरकार बताया। उनका जबरदस्त स्वागत किया गया, भीड़ जबरदस्त थी उनके स्वागत में। बड़े यूट्यूबर हैं वहां के, उनका अकाउंट भी बिहार की सरकार ने जब्त कर लिया था। 40-42 लाख रुपए जो उनके यूट्यूब आदि से कमाई के थे, ये साफ बिहार के नीतीश और तेजस्वी सरकार की तानाशाही थी, जिसके कारण वो सच नहीं सुनने, सच जो लोग सुना रहे हैं उनकी आवाज दबाने का ये प्रयास किया गया था। मनीष ने कहा कि वो किसी से डरते नहीं, उनका कहना है कि फिर से पत्रकारिता करेंगे, निकम्मी बिहार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये थोड़ा अतिशयोक्ति, कभी भी हम लोग जो पत्रकारिता करता है वो उखाड़ फेंकेंगे शब्द नहीं उपयोग करता, किसी भी सरकार के लिए उखाड़ फेंकेंगे। हमारा काम है हम सच बताते रहेंगे, हम तब तक बताते रहेंगे जब तक जनता समझ ना जाए, हम सच बताते रहेंगे। सरकार उखाड़ना हमारा काम नहीं होता। वो रोड शो कर रहे थे, भारी भीड़ थी, और उसमें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ जो हिंसा के वीडियो उन्होंने बनाए थे उस पर उनको जेल डाला गया, जबकि वो खबर दैनिक भास्कर क्या बड़े बड़े अखबारों ने छापा, जिस पर कार्रवाई करने की हिम्मत न तमिलनाडु सरकार की थी न बिहार सरकार की थी। एक यूट्यूबर को पकड़ कर उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की गई। मनीष कश्यप के विरुद्ध पटना आर्थिक अपराध इकाई ने 4 केस दर्ज किए, जिसमें 3 बिहारी मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई के फर्जी वीडियो कहा गया को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने कुल 13 केस दर्ज किए। 6 मामले में मनीष कश्यप नामजद आरोपी हैं। तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए भी लगाया, जो बाद में विरोध के कारण हटा लिया गया। इस तरह से तमिलनाडु में उसी की सरकार है जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है, डीएमए स्टालिन की सरकार। तो ये लोग तो और भी निकृष्टतम स्तर के राजनीतिक पार्टियां हैं। मनीष कश्यप ने इसी साल 18 मार्च को सरेंडर किया था। मनीष कश्यप की रिहाई की खबर से काफी बिहार के लोगों में खुशी देखी जा रही।